अगर आपको लोग अच्छे से ट्रीट ना करते हो तो उस जगह पर रहने का मन नहीं करता लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है ऑप्शन बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आगे कि आपको आप पी आर नहीं मिलने वाली लेकिन बारी नहीं आ रही तो भाई क्या फायदा उस ट्रीटमेंट का अगर आपको डॉक्टर नहीं देखने आ रहा तो दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क य और जीज वेलकम बैक फूम अद ब्लॉग आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट माई सिक्स ईयर इन कैनेडा एंड वट आई लव्ड एंड हेटेड तो अगर आप कैनेडा जल्दी आने वाले हो या फिर रिसेंटली आ चुके हो इंडियो स्टिल अनसर्टेन अबाउट योर फ्यूचर इन कैनैडा तो भाई ये वीडियो पूरी जरूर से देखना जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना होप फुली इट विल प्रोवाइड विद सम क्लैरिटी कि आप यहाँ पे अपना फ्यूचर देख सकते हो नहीं देख सकते हो मेरे को क्या लगता है छः साल यहाँ पर रहने के बाद सो टाइम बेस्ट आद वीडियो तो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि मुझे कनाडा में छः साल बिताने के बाद अभी भी काफ़ी अच्छे लगते हैं तो नंबर वन पे आता है भाई पीपल आई फील ए कैनडियस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं ठीक है काफ़ी ज़्यादा नाइस हैं पोलाइट है काइंड है एंड काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग है नो इमेजिन की अगर हम इंडिया में रह रहे हो अचानक से दुनिया भर से वहाँ पर माइग्रेशन शुरू हो जाए लोग वहाँ पे आना शुरू कर दें ठीक है हमारे मतलब आस पड़ोस में दुनिया भर के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं उनके कल्चर अलग है येट वो हमारे साथ दिवाली मना रहे हैं हमारे साथ बसंत पर पतंगे उड़ा रहे हैं हमारे साथ लोही मना रहे हैं हमारे मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ऑड लगेगा राइट कि भाई मतलब कुछ तो अलग है ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता है और न ही वो किसी को ऐसा फील होने देते हैं ठीक है मतलब आप यहाँ पे आओ न्यू ईयर मनाओ साथ में क्रिसमस मनाओ जो मर्जी करो हम मतलब थैंक्स गिविंग मनाओ ठीक है आप इनके साथ रहो इनके बीच में रहो इनके साथ काम करो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ जैसे कि मैं गया था यहाँ पर पहले पढ़ाई की थी कॉलेज गया था एंड देन मैंने बहुत सारी जगहों पर काम किया है मैंने शहर भी बदले अलग अलग शहरों में भी रहा हूँ कैनाडा में एंड आई नेवर फेल्ट कि मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता क्योंकि मुझे कभी किसी ने ऐसा फील होने ही नहीं दिया तो ये चीज़ें यू नो किसी किसी कंट्री में हो पाती हैं आई फील अगर अगर आप यूएस जाओगे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन रेसिज एंड अगर आप यू नो इंग्लैंड वगैरह यूरोप कहीं भी चले जाते हो वहां पर शायद थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले क्योंकि वहां पर लोग यूज टू नहीं होते कि भाई इतने सारे यू नो इमिग्रेंट्स रह रहे हो तो लोग कभी कभी उन्हें यू नो थोड़ा सा मिसबिहेव कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ मैं इतने सारे कनेडियस के साथ आज की डेट में भी काम करता हूँ मेरे ऑफिस में मोस्टली यू नो गोरे लोग ही हैं बट दे नेवर यू नो ट्रीट मी एनी डिफरेंट देन दे व ट्रीट देयर ओन तो मेरे को वो चीज़ काफी अच्छी लगती है कि लोग यहाँ पे काफी ज्यादा नाइस है तो आपके यहाँ पर जो जर्नी है काफी अच्छी रहने वाली है आपको कभी ऐसा नहीं कोई फील होने देगा कि यू डोंट बिलोंग यर क्योंकि अगर ऐसी ऐसी फीलिंग आए तो इंसान को भी वहाँ पे सेटल्ड फील हो ही नहीं सकता चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले चाहे जितने मर्जी यू नो घर बंगले खड़े कर ले अगर आपको लोग अच्छे से ट्रीट ना करते हो तो उस जगह पर रहने का मन नहीं करता लेकिन कैनेडा में ऐसा नहीं है पर्सनली फील है कि लोग काफी ज्यादा वेलकमिंग है और दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते भी वो वो आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़ अब मैं मानता हूँ कि यार पिछले कुछ सालों में यहाँ पे यू नो लोग काफ़ी ज़्यादा आते रहे आते रहे उस स्पीड पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी है तो कहीं ना कहीं मारामारी सी हो जाती है ठीक है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वर्स नंबर ऑफ पीपल काफी ज़्यादा है लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है इंसान घर से बैठ के इन डी डे लिंक इन पे, पे जॉब अप्लाई करता है या फिर यू नो डोर तो टू डोर जाकर रिज्यूमे हैंड आउट करता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आई मीन नॉट लिटरली एट द एंड ऑफ द डे बट हफ्ता दस दिन महीने के बाद आपके हाथ में जॉब होगी जो आपको सर्वाइव करने का मौका देगी क्या इंडिया में पॉसिबल है क्या आप यू नो सुबह में अपने रिज्यूमे प्रिंट आउट निकाल के दुकान दुकान जाओगे एंड शाम तक आपको रोजी रोटी कमाने लायक जॉब मिल जाएगी नो एंड वो ही सेम अपलाइज टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अगर आप इंडिया में ग्रेजुएट होकर निकले आपकी ऑन कैंपस ठीक है मान लो नहीं लगी जॉब वगैरह अब क्या चांसेस है आपके कि आप लिंक इन रीड पर अप्लाई करोगे जो भी वहाँ पर चलता है तो आपको जॉब लग जाएगी शायद बहुत कम ठीक है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता मेरे को कोई बंदा नहीं ऐसा मिला जो बोले कि भाई मेरे को यहाँ पर इतना टाइम होगा मेरे को आज तक कभी जॉब नहीं मिली हाँ हो सकता है कि आप थोड़े से यू नो स्पेसिफिक जॉब ढूंढ रहे हो कि मेरे को पर्टिकुलर यही रोल चाहिए यही इंडस्ट्री में चाहिए या इस लेवल की जॉब तो चाहिए चाहिए या मिनिमम इतने पैसे होने चाहिए या मैं सिर्फ इतने से इतने घंटे ही काम करूँगा या इससे इस दिन काम करूँगा जब तो आप फ्लेक्सीबल नहीं होगे तो आपके आपके लिए ऑब्वियसली यू नो ऑप्शन कम हो जाएंगे लेकिन इफ़ यू आर फ्लेक्सीबल आई कैन अश्योर यू कि भाई आपको जॉब मिलेगी मिलेगी हो सकता है हफ्ता दस दिन महीना दो महीना भी लग जाए ठीक है वोर्स केस सिनेरियो लेकिन जॉब मिलेगी तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं ना यहाँ पे आपकी बैक होम कंट्री के मुकाबले अच्छी है कि एटलीस्ट आपको सर्वाइवल यू नो अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलता है तरक्की की तो बात हम अलग से कर लेंगे इस वीडियो में लेकिन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू तो सर्वाइव जो कि शायद से इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल ना हो या जहाँ से भी आप आ रहे हो आपके लिए पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में वो इंडिया में शायद आपको पॉसिबल ना लग रही हो तो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आगे जरूर मिल जाएंगी और अगली बात हम यहाँ पे कर लेते हैं जी इमिग्रेशन के बारे में अब मेरे प्रोस्पेक्टिव में या बोलो मेरे ओपिनियन में भाई यहाँ पे मैंने जितना देखा है कि इमिग्रेशन प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा है म्यूसपैलिटी लेवल पे हैं ठीक है फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं फिर फेडरल लेवल पे भी आप एक्सप्रेस एंट्री में जाओ पी, पी में जाओ ठीक है कोई रूरल प्रोग्राम्स के थ्रू जाओ एल लगाओ पाउसल वीज़ा लगाओ ठीक है कुछ भी कर लो मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आगे कि आपको अब पी नहीं मिलने वाली या आप आगे जाकर सिटीजन नहीं बन सकते अनलेस यू लाइक डू समथिंग very वेरी वेरी रॉन्ग इन योर लाइफ ठीक है आप कुछ बिल्कुल ही फ्रॉड वगैरह कुछ कर देते हो तो आप इन एलिजिबली हो जाओ ऐसा आप जब तक नहीं करते भाई आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे पाथवेज बहुत सारे हैं ठीक है मतलब यहाँ पे जनरली लोग तीन से पाँच साल में जब यहाँ पे आ गए तीन से पाँच साल में पी हो जाते हैं उसके अगले तीन से चार साल में सिटीज़नशिप हो जाती है उनकी ठीक है सिटीज़न बन जाते हैं लेकिन ये चीज़ें अगर आप यू में चले जाओ भाई वहाँ पर लोग दस से पंद्रह साल तो पी का ही वेट कर रहे हैं जो कि वहाँ पर ग्रीन कार्ड बोला जाता है बिलीव एंड अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओ तो वहाँ भी ऐसा ही कि भाई आराम से पाँच सात साल तो कहीं नहीं गए तो कैनेडा पीआर में तो सबसे आ गया उसके बाद सिटीजनशिप में भी सबसे आ गया सबसे जल्दी यहीं पे होगी एंड बेस्ट पार्ट इज़ आप यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला सकते हो ठीक है एक बार आप पीआर हो जाओ या सिटीज़न हो जाओ तो अपनी फैमिली वालों को स्पॉन्सरशिप दे के, उन्हें बुला सकते हो तो वो काम काफ़ी अच्छा है जो कि मुझे लगता है दूसरी कंट्रीज में शायद थोड़ा सा मुश्किल है कि फैमिली को बुलाना इज़ कैन बी यू नो टफ एंड मेरे हिसाब से ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पर आपकी फैमिली एक अलग कंट्री में रह रही है जहाँ पर आपको आप उन्हें बेसिकली कई कई सालों बाद देखने वाले हो एंड आप यहाँ पे चाहे रह गए जितनी जी तरक्की कर लो लेकिन अगर फैमिली बैक होम बैठी है सिर्फ फोन पर बात हो रही है तो आई फील लाइक दर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग दैट लाइफ इन माई ओपिनियन मैं तो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहूँगा तो मेरे हिसाब से कैनेडा इज दी कंट्री जहाँ पर मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ मेरे साथ आगे रह सकते हैं एंड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे जल्दी हो जाएगा काम मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मतलब रातों रात हो जाता है इट इट विल टेक ईयर्स बट दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले जल्दी हो जाएगा एंड पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम ज्यादा है बेसिकली ठीक है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है कैनेडा के बारे में और आगे हम बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की जो कि आता है नेचर अब कैनेडा में भाई नेचर काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा ताजी है पानी काफ़ी ज़्यादा प्योर है कि लोग यू नो टूटी वाला पानी पी लेते हैं किसी को वाटर फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है एंड बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे लोग डिस्टर्ब नहीं करते ठीक है नेचुरल साइकिल जो भी यू नो वाइल्ड लाइफ वगैरह का है यहाँ पर बोला जाता है स्ट्रिक्टली कि आप वाइल्ड लाइफ को अप्रोच नहीं कर सकते उन्हें खाना नहीं दे सकते ताकि वो आपसे यू नो डिपेंडेंट ना बन जाए बिकॉज अगर वो यू नो वाइल्ड लाइफ एक बार ह्यूमन प्रेजेंस पे डिपेंडेंट हो गई उनसे कंफर्टेबल होगी तो फिर वाइल्ड लाइफ अटैक्स वगैरह होने लग जाते हैं जो कि यू नो इंडिया में देखे जाते हैं कई बार तो वो चीज़ें ना ही हो तो ही बढ़िया है इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा अप्रोच भी नहीं करते वाइल्ड लाइफ को एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे यू नो इतनी बड़ी बड़ी जगह है लेक लुई है ठीक है मरीन लेक है लेकिन वहाँ पर कोई यू नो ठेले वगैरह नहीं लगे मोमोज वगैरह के आई मीन दिल तो बहुत करता है एज एन इंडियन के भाई हो तो मज़ा आ जाए वहाँ बैठ के मैगी खाने में बट वहाँ पे अगर नहीं है तो इसीलिए ताकि वहाँ पे यू नो पीछे फूड वगैरह ना रह जाए जहाँ पर आके वाइल्ड लाइफ वहाँ पर इकट्ठी होने लग जाए एंड फिर वो यू नो पूरी की पूरी चेन टूट जाए बेसिकली जो नेचुरल चेन होती है तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है तो नेचर के मामले में यहाँ पे यू नो you know, अगर आप एटलांटिक साइड जाओगे तो आपको ओशनस देखने को मिल जाएंगे अगर आप यू you नो know, यहाँ पे वेस्टर्न कैनेडा में आओगे यहाँ पे कि मैराथ अल्बर्टा में तो यहाँ पे बेसिकली कनेडियन रॉकीज है पहाड़ है एंड अगर आप टोरंटो वैनकूवर जाओगे तो काफ़ी बढ़िया बीचज़ है सनसेट्स है, है तो वही मतलब नेचर हर जगह आपको देखने वाला मिलने वाला है एंड बेसिकली यही है कि भाई लैंड बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम है इस करके ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता नेचुरल साइकिल को यहाँ पे तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे जाना आना काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है दो किलोमीटर को हद से दो ढाई घंटे लगते हैं पहुँचने के अगर यही इंडिया में मेरे को जाना हो तो भाई दस दस घंटे तो कहीं नहीं जाता है दो ढाई सौ किलोमीटर पूरे करने के लिए तो इसलिए यहाँ पे यू नो हर वीकेंड भी बाहर निकला जा सकता है एज कम्पेयेड टू यू नो आप किसी और कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक टाइम ज्यादा लगता हो तो वो चीज़ भी काफी बढ़िया हो जाती है एंड इंडिया में ऐसा रहता था कि भाई अगर हम पूरे साल एक ट्रिप प्लान करते थे ना कि भाई शिमला जाएंगे मनाली जाएंगे तो जब हम वहाँ पहुँचते थे न्यू ईयर पे क्रिसमस पे जब भी जाना होता था पता चलता था सारी दुनिया ही वहाँ आई हुई है क्योंकि वहाँ पे लोग ही बेसिकली इतने ज्यादा हैं आप कहीं भी चले जाओ डेस्टिनेशन आपको क्राउडेड ही मिलने वाले लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा लोग नहीं है तो हाँ कुछ कुछ पॉपुलर स्पॉट्स यहाँ पे थोड़े क्राउडेड मिलने वाले हैं बट इतने क्राउडेड नहीं कि भैया आपको पहुँचने में ही मतलब दस घंटे लग जाए तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है यहाँ पे मैं नेचर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता हूँ मैं मानता तो हूँ इंडिया में भी नेचर है बट एक्सेसिबल इतना ईजिली नहीं है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा रहता है फिर बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो थोड़ा सा यू नो इंसान को थोड़ा डीमोटिवेट करता है कि भाई छः महीने बाद ही प्लान बन पाता है लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो हर हफ्ते हर महीने भी जा सकते हो तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है और आगे मैं मैं पे बात करना चाहूंगा जी मेरे अगले पॉइंट की जो कि आता है सेफ्टी अब कनाडा काफी हद तक सेफ़ एंड पीसफुल जगह है यहाँ पे लोग जनरली काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हैं ठीक है अगर आप देखो ना कहीं रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाता है लोग अपनी गाड़ी साइड पर लगा के खुद ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि भाई साहब आ जाओ यहाँ पे यू you नो know, हमारी बेसिकली uh, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ताकि पुलिस रिपोर्ट बन जाए बाद में इंश्योरेंस क्लेम सबको मिल जाए जो भी जिसकी भी गलती थी तो इंश्योरेंस उसकी भरपाई कर दे ताकि लोगों को अपने हाथ में ना लेना पड़े लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े उसके बाद तो फिर यू नो वही है एक आंख दो एक आंख लो ऐसा करके तो सारी दुनिया अंधेगी हो जाए राइट तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं है तो इस करके यहाँ पे यू नो जो लोग हैं जनरल काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हैं कुछ वीडियो तो आपके सामने शायद आती है इंस्टाग्राम टिकटॉक जहाँ जो भी आप फॉलो करते हो वहाँ पे कि भाई ब्रांटन में लड़ाई होगी हुई बट आप देखोगे वहाँ पर गोरे नहीं लड़ रहे होते कभी भी आप देखोगे इंडियन लोग ही वहाँ पे होते हैं तो जनरली अगर आप ऐसे ऐसे एरियाज़ थोड़े अवॉइड कर दो अगर आप फैमिली वाले हो तो आई बिलीव आप अवॉइड करना चाहोगे ऐसे एरिया यहाँ पे यू you नो know, आए दिन आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है टू बी ऑनेस्ट ठीक है मतलब वहाँ पे तो आपको पता है कि हर एक बंदा अपने मोहल्ले का शेयर होता तो तो है तो वो हिसाब किताब तो रहता ही है तो यहाँ पे आके भी कभी कभी लोग यही समझने लग जाते हैं बट यहाँ पे ऐसा चलता नहीं होता आप देखोगे कि भाई एक कॉल करोगे दो चार मिनट में पुलिस आ गई एंड वो एक्शन ले रही है तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि यार पीसफुल है काफ़ी ज़्यादा ठीक है सेफ़ भी है काफ़ी ज़्यादा एंड अगर आप यू नो रात में कहीं काम पर जा रहे हो आ रहे हो कॉलेज से जा रहे हो आ रहे हो तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं होगी ठीक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द बिग बिग सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ट्वेंटी फोर बाय सेवन चल रहा होता है एंड uh, पुलिस की प्रेजेंस तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन रहती रहती है आप देखोगे वैसे भी पेट्रोलिंग चल रही होती है पूरे शहरों में तो अगर आप uh, रूरल साइड पर जाओगे वहाँ पर शेरफ वगैरह मिलेंगे आपको आर सीम पी की प्रेजेंस मिलेगी जो कि फेडरल लेवल पुलिस है तो अगर उनकी खुद की मूनसिपलिटी की पुलिस नहीं है तो वहाँ वे आर सी एम पी की प्रेजेंस रहती है ये शेरफ होते हैं तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है कि यहाँ पे यू नो सेफ्टी मेंटेन की जाती है रात को बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता है एज कम्पेयर टू जब मेरे को रिमेंबर आई रिमेंबर मैं जब बारहवीं में था ना या मैंने जब आयल्स वगैरह कर रहा था तब मैं कभी दिल्ली वगैरह जाता था तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार पाँच पाँच मिनट बाद ना अपनी जेब में चेक करते रहना समान है जेब में ठीक है और रात में बाहर मत निकलना धेरे में सुनसान एरिया में मत जाना तो लड़कों को भी ये चीज़ें बोली जाती थी तो लड़कियों तो का तो मुश्किल ही रहता होगा थोड़ा सा ठीक है इंडिया में मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर एरिया यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कोई कोई एरिया शेडी मिल जाता है अगर आप उससे बाहर रहोगे तो आप बहुत बढ़िया रहोगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को तो छः साल में कोई नहीं आई एंड आई होप कि आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए जनरली मैं बोलूँगा कि कैनडाइ सेफ़ ओवरऑल यू से भी सेफ है इंडिया से भी सेफ है तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको सेफ़्टी का आप कभी कोई कंसर्न दिमाग में आता है तो भाई उसकी चिंता मत करें अगर आप अच्छे एरिया में रहेंगे आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही जाएगा और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते ले उन पॉइंट्स की जो कि मुझे कनाडा के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं ठीक है थीका? जी सबसे पहले तो आए थे भाई हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें यहाँ पे छः साल पहले आया था तब शेयरिंग में यहाँ पे कमरा मिल जाता था बहुत ढाई सौ से तीन सौ डॉलर है मंथ तो स्टूडेंट का गुजारा हो जाता था जिसको कि छः सौ सत्तर जी एस मिलती थी ठीक है लेकिन आज की डेट में भाई पाँच साढ़े पाँच सौ तो आपको शेयरिंग में भी देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा पड़ गया किराया ठीक है मतलब उसके हिसाब से अगर बात करें ना इनकम की तो इनकम को ज़्यादा नहीं बढ़ी उस टाइम पे आई बिलीव तेरह डॉलर होती थी ठीक है ओटेरियो में एंड आज के टाइम पे सोलह डॉलर हो गए तो तीन डॉलर बढ़े हैं बढ़े हैं बेसिकली वर्सेस जो एक्सपेंसेस है वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो आपकी बेसिक नेसेसिटी होने वाली हैं एंड उसकी वजह से अभी इन्होंने रिसेंटली यू नो जी भी बढ़ा दी दस से बीस से कर दी गई है ताकि बच्चों को छः सौ नहीं आई बिलीव बारह मिले मंथली जो कि आज की डेट में चाहिए हज़ार बारह तो मिनिमम चाहिए अगर आपको यूँ यहाँ पे हवा पानी चाहिए खाना चाहिए रहने के लिए छत चाहिए तो इतना खर्चा तो आ ही जाता है तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी कि भाई इतने लोग आ जाते इतनी ज्यादा रिसोर्सेस अच्छे से मैनेज नहीं हो पाते हैं जितने भी जॉब्स अवेलेबल है हाउसिंग अवेलेबल है उसके बेसिस पे एंड फिर यू नो you know, पुअर मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है एंड तो वो काफी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है स्पेशली न्यू इमिग्रेंट के लिए और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की जो किया आता है हाई टैक्सेज अब कैनेडा में अगर आप एम्प्लॉयड हो अगर आपके पास जॉब है सबसे पहले तो आपको लगेगा इनकम टैक्स ठीक है आपकी जितनी भी तनखा उसमें से पहले ही इनकम टैक्स कट के आएगा आपको पूरी तनख्वाह देखने को मिलेगी नहीं आपको पूरी सैलरी हाथ में दी नहीं जाएगी तो इनकम टैक्स कट के आपके हाथ में जो भी है बाय द वे मोस्ट ऑफ द पीपल पे ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट सम पीपल इवन पे फिफ्टी परसेंट इन इनकम टैक्सेज ठीक है जस्ट टू लेट यू नो एंड उसके बाद आपके हाथ में जो भी एक्स अमाउंट आई अगर आप जो भी यू नो सेल परचेज करने जाओगे जहाँ पे भी उस पैसे को खर्चोगे आफ्टर टैक्स वाले इनकम को वहाँ पर भी टैक्स लगेगा ठीक है सेल परचेज है उसके बाद जो बच जाती सारे खर्चे निकाल के उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा एंड बैंक्स जनरली जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट जीरो पॉइंट वन जीरो परसेंट आपको रिटर्न देते हैं इंटरेस्ट देते हैं बेसिकली तो अगर आपको यू you नो know, कहीं फिक्स डिपॉजिट वगैरह कराओगे या कहीं यू नो स्टॉक्स वगैरह इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कुछ अच्छा बनेगा लेकिन उसके ऊपर भी टैक्स लगता है जनरली हाँ कुछ लूप होल्स हैं कि आप यू नो टी एफ एस ए खुलवा सकते हो एक तरीके का अकाउंट कि उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कमाओगे उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा बट जनरली यहाँ पर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं अब बात कर लेते हैं रिटर्न आपको मिलता गया अब मतलब बेस्ट के सीनैरियो तो ये है कि भाई यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट अगर आपके पास बच्चे हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं बेसिकली आपको बच्चों के लिए थोड़े से यू you नो know, सरकार से फाइनेंशियल मदद मिलेगी अगर आप सीनियर हैं जो कि रिटायर हो चुका है जॉब करके उसको पेंशन प्लान मिलेगा तो फ्री बस सर्विस मिलती है छोटे बच्चों का आई थिंक अब अबाउट सोलह ईयर्स तक आपको फ्री बसेज में ट्रांसपोर्ट मिलता है ठीक है तो कुछ चीज़ें तो मिलती हैं लेकिन मेरे जैसे जो सिंगल इंडिविजुअल है भाई पच्चीस तीस पैंतीस इनकम टैक्स कटाते हैं मेरे को भाई इनकम टैक्स फाइल करने पर कोई जी एस टी एच एस टी एस बहुत सारे इनके बेसिकली क्रेडिट होते हैं जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाओगे सिर्फ इन्होंने ऑलरेडी पूरे साल का इनकम टैक्स काट लिया है आपको कुछ क्रेडिट दिए जाते हैं क्रेडिट बेसिकली अमाउंट रहती है कि भाई आपको थोड़ी सी मदद मिले ठीक है महंगाई से डील करने के लिए लेकिन मेरे को कुछ खासा मिलता नहीं हाथ में सौ दौसौ थमा के घर भेज देते हैं इनका टैक्स इन्होंने काटा होता है पंद्रह बीस हज़ार डॉलर ठीक है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ऐसा तो कुछ खासा रहता नहीं है एंड आई पर्सनली फील लाइक कि भाई मतलब जब मैं बाजार में जाऊंगा कि मेरे को सस्ती मिलने वाली आइटम्स मेरे को भी तो इतने के मिलने वाले हैं लाइक मेरे को भी तो वही महंगाई फेस करनी पड़ेगी इनकम टैक्स मेरा ज़्यादा कटता है और मेरे को क्रेडिट कोई मिलता नहीं है एंड महंगाई मेरे लिए सेम है एज़ कम्पेयर टू जो लो इनकम अर्नर हैं उनको इनकम टैक्स कम काटा जाता है क्रेडिट्स बहुत सारे दे दिए जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा यू मदद मिले पैसे में मतलब घर का खर्चा वगैरह चलाने में लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइक टू ऑफ अस आर सिटिंग ऑन द सेम बेंच और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की जो कि आता है कैनडा की जोग्राफिकल लोकेशन अब यार कैनेडा यूएस के साथ है लेकिन अदर देन दैट भाई बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है यहाँ से दुबई दूर हुआ मालदीव दूर हुआ बाली दूर हुआ पूरा यूरोप दूर हुआ ऑस्ट्रेलिया दूर हुआ न्यूजीलैंड दूर हुआ इंग्लैंड दूर हुआ इंडिया दूर हुआ भाई बंदा जाए कहाँ ठीक है यहाँ पे मतलब आपको कहीं भी अच्छी जगह पे जाना ना 15 से 20 घंटे की फ्लाइट है दो हज़ार डॉलर तो लगने ही लगने हैं ठीक है राउंड ट्रिप के तो इसी की वजह से लोग इंडिया तीन तीन चार चार साल तक नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे यू नो छः आठ महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है इतने हो कि पीछे से भी अपने किराए वगैरह सारे खर्चे जाते रहें वहाँ जाके भी खर्च सकें फिर वहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशन होगी हम गिफ्ट लेके आएंगे फिर फ़्लाइट दो हज़ार डॉलर की है जो कि इकॉमी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर और ऊपर से जो इतना ट्रैवल टाइम है कि बीस घंटे जाने में लग गए अगर आपने ले ले लिया तो और लग सकते हैं तो इतना ट्रैवल टाइम होने के बाद वहाँ पर जाकर इंसान थक जाता है दो तीन दिन तो इंसान को आराम चाहिए फिर आते हुए भी ऐसा ही है कि वापस आके यहाँ पर दो तीन दिन चाहिए तो इसकी वजह से ट्रिप बने नहीं पाता तो जोग्राफिकल लोकेशन के मामले में मैं मेरे को पर्सनली फील होता है कि भाई हम कोई ज्यादा अच्छी जगह देख नहीं सकते जो दुनिया में लोग इतनी शेयर करते हैं ना भाई ट्रैवल व्लॉगर्स वो जगह तो शायद हमें देखने को मिले ना क्योंकि दूरी बहुत है कितने बंदा ट्रिप ले सकता है साल में ऐसे जो यू you नो know, दस दस हज़ार डॉलर कॉस्ट कर जाए आपको अगर आपने अच्छे से स्पेंड करने हो वहाँ पे जाके तो इसलिए वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है एंड आई पर्सनली फील है जियोग्राफिकल लोकेशन के मामले में कैनेडा कोई बहुत अच्छी कंट्री नहीं है और यहाँ पे मेरे अगले पॉइंट की बात कर करी तो भाई वो आ जाता है यहाँ पे हेल्थ केयर अब सबको पता है कैनेडा का के हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा बदनाम है बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी मैं आपको मैं मको बता दूँ सिस्टम क्या है यहाँ पे आए दिन हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि भाई फॉरन एड में बिलियनस ऑफ डॉलर बिलियस ऑफ डॉलर दे दिए गए हैं ठीक है लेकिन उसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं समझते आई थिंक ब्रैमटन में आज भी यू नो आई थिंक दस पंद्रह लाख पॉपुलेशन है वहाँ की ब्रैमटन की एक शहर की उसमें हॉस्पिटल सिर्फ एक है तो हाउ आर पीपल गोना मैनेज ठीक है कैसे वो जाए वहाँ पे वेटिंग टाइम ही छः से आठ महीने रहने वाले हैं तो क्या इंसान मतलब हेल्थ केयर इज समथिंग दैट्स नॉट कॉस्मेटिक एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक ये लोग डेंटल को भी आपके दांतों को भी कॉस्मेटिक समझते हैं आपकी आइज की हेयर केयर को भी कॉस्मेटिक समझते हैं तो उसे तो कोई काउंट ही नहीं करता उसे कॉस्मेटिक केयर समझा जाता है एज कंपेयर टू हेल्थ केयर तो वो काफ़ी दिक्कत वाला इशू है एंड अदर दें दैट हेल्थ केयर इज़ नॉट रिलाईबल क्योंकि आप कहीं भी चले जाओगे आई बिलीव बड़ी सिटीज़ में तो जनरली देखने को मिलेगा कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा आप एमरजेंसी में जाओगे लेट से यू कॉल नाइन वन वन वो आपको आते हैं पाँच मिनट में वहाँ पहुँचा देते हैं हॉस्पिटल वहाँ पर जाकर दस घंटे का वेट है बिफोर एनीबडी सीज यू एंड सीज में भी ऐसा नहीं है आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा जब मैं वहाँ पर गया था डॉक्टर आया उसने दस सेकंड बेरे लिए होंगे ही डिड नॉट इवन इंट्रोड्यूस हिम ठीक है कि भाई वो कौन है क्या है मेरी मदद करने वाला है वो आया उसने देखा वो चला गया भाई बाद में नर्स कहती घर चले जाओ कोई दवाई नहीं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं कोई कुछ नहीं बाबा इट वॉज इट लाइक डॉग अटैक इंजरी तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई थी बट मेरे को पर्सनली फील हुआ कि भाई ये क्या है बेकार्ड सा सिस्टम मतलब किसी ने मेरे को टाइम देना भी जरूरी नहीं समझा इतने घंटे मैं खुद ही वहाँ पर लाइन में सारे फॉर्म भर के वेट किया मैंने एंड उस टाइम पर मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं था तो विजिट करने का हज़ार डॉलर था उसके बाद अलग से पैसे जो ऊपर लगने वाले थे तो मेरे को लगा कि यार ये तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है आई मीन अगर आपकी फैमिली है पेरेंट्स या बच्चे हैं तो आप ऐसा हेल्थ केयर तो नहीं चाहोगे राइट एंड जितने भी लोग यहाँ पे इंटरनेशनल आते हैं इंडिया या दूसरी कंट्री से तो वहाँ से जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आते हैं उनकी तो ये पढ़ाई को रिकॉग्नाइज़ करते नहीं एक्सपीरियंस को वो लोग बेचारे मजबूर हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए टैक्सी चलाने को तो मेरे को लगता है कि यार रिसोर्स मैनेजमेंट कैनेडा की गवर्नमेंट बिल्कुल भी, भी अच्छे से नहीं करती इतना पैसा हर साल आता है लोगों से इतना टैलेंट यहाँ पे यंग टैलेंट आता है इतने एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आते हैं उनको अच्छे से मैनेज करना तो वही कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाए सारी दुनिया से लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आते हैं अपनी इतनी अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के अगर आप उसे अच्छे से रिसोर्स मैनेजमेंट करना जान गए ना तो भाई मतलब माशाल्लाह काम बड़ा सेट हो जाएगा यहाँ पे लेकिन ऐसा है नहीं ठीक है तो यहाँ पे हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबल है मेरे को तो भाई मैं भगवान को ये प्रे करता हूँ कि किसी को जाना ना पड़े हेल्थ केयर में क्योंकि इतना अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है बहुत अच्छा हो लेकिन बारी नहीं आ रही तो भाई क्या फ़ायदा उस ट्रीटमेंट का अगर आपको डॉक्टर ही नहीं देखने आ रहा तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाला इशू रहता है और यार मेरे आखिरी पॉइंट की बात कर ले तो भाई वो आ जाता है कनेडियन विंटर्स अब सबको पता है भाई कनेडियन विंटर्स काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकती हैं पहले डिपेंड्स आप रहते हैं कहाँ पे हो मतलब जनरली कनाडा में हर एक जगह पे स्नो होती है हर एक जगह पे माइनस में टेमपेचर जाता है लेकिन कितना माइनस में जाएगा डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनो वैनकूवर हो गोगे तो माइनस दो चार से ज़्यादा नहीं जाएगा उसमें ठंड कंसडर भी नहीं करता तो आप अल्बर्टा में आओ माइनस थर्टी माइनस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है सस्कैचुर में भी सेम है एंड वनीपैक मैनिटोबा बेसिकली सीख ली वहाँ पर भी सेम है टोरंटो में भी ठंड होती है मॉन्ट्रियल में भी ठंड होती है लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होती माइनस दस पंद्रह बीस हो सकता है उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा तो ये डिपेंड्स करता है कि आप यू you नो know, किस लोकेशन पर रहते हो बट हाँ ठंड से आपकी लाइफ जरूर डेली लाइफ जरूर इम्पैक्ट होती है आप यू नो कितना टाइम आपको कम्यूट में लगने वाला वो डिपेंड होता है आपको बाहर जाते हो कितनी लेट्स पहन के जानी होगी उस पर यू नो वो सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं एंड सनलाइट जब डेली लाइफ में ना देखने को मिले बार ग्लूमी वेदर रहे तो वो भी आपको इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करता है तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आप मैं चाहता हूँ कि भाई आप जान लें यहाँ पे आने से पहले एंड uh, मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं एंड होप कि ये आपको क्लैरिटी देती हैं एंड बाय द वे शुड यू कम इन 2024 और नॉट इट डिपेंड्स ऑन योर वाई आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आके मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आपको फुलफिल्ड होंगे आपके ड्रीम्स नहीं होंगे उस पर डिपेंड करता है तो दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर ठीक है तो बस एक वीडियो थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करें मिलता है किस वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर